Jesus has given me. So, Sunjaya, everybody, thank you to each and every one of you for being here, who have been with us from a very long time, and also importantly, all the beautiful ladies of the day. Ms. Gulzar, a final year BSc student. Now your hands together for our worthy principal. I welcome you all, particularly Additional Secretary Higher Education, Sanjeev Rana, जो एक बिजी शेड्यूल होके भी हमारे इस महफिल में आए और इस महफिल में वो हिस्सा ले रहे हैं. And every girl in my life who has inspired me to do best. There are lot of women who actually inspired me. And it will be a long list, so I will cut short it here. उसका कारण यही होता है कि उनके घर वाले यही समझते हैं कि आप बच्ची बुरी हो गई है और अब उसका जो है अगर कॉलेज में जाना थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाती है. I'm sorry, मैं सुबह से आपके सबको ज्वाइन नहीं कर पाया. प्रिंसिपल साहब ने इनविटेशन एक्सटेंड किया था, कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी माजरत मांगी थी कि मैं टुवर्ड्स दी कंक्लूडिंग सेशन आपको यहाँ पर ज्वाइन करूंगा. मुझे खुशी है देखकर कि बहुत वाइब्रेंट तरीके से हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे अनंतनाग में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और तकरीबन 100 साल से, जैसा मेरी जानकारी है कि वुमेन्स डे अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट फोरम्स पे हम मनाते आ रहे हैं. और इस साल का जो थीम भी है चूज टू चैलेंज, मैं कल ऑनरेबल पीएम का भी एक छोटा सा स्टेटमेंट देख रहा था इसी के ऊपर कि किस तरीके से हमने एज अ कंट्री एज अ नेशन इवॉल्व किया है और खास करके वुमेन एम्पावरमेंट के इस थीम के ऊपर. Let's upgrade and uplift each other. Let's motivate and re-motivate. आज का दिन है ये हम सेलिब्रेट किस लिए करते हैं, ताकि हम एक्नॉलेज कर सके कि हर एक औरत जो है वो एक रोल निभाती है, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, वो सोसाइटी में एक पिवोटल रोल निभाती है और उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है. बट इट्स नॉट कन्फाइंड टू वन डे, ये हर दिन उसका जो रोल है उसको अप्रिसिएट करना जरूरी है. जी. ये है कि अभी जो है जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी में बहुत प्रेविलेंट है, उसको कम करना है और वुमेन जो है उनको एम्पावर करना है. क्योंकि वुमेन को एम्पावर करना डजंट मीन एम्पावरिंग वुमेन ओनली, इट मीन्स एम्पावरिंग द कम्युनिटी एज अ होल, एम्पावरिंग द वर्ल्ड. क्योंकि जब वो अपना बेस्ट देंगी सोसाइटी में तो वो कंट्रीब्यूट भी करेंगी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. जी जी सॉरी. तो मैं आज वुमेन्स कॉलेज में, अपने कॉलेज में हूँ अनंतनाग में, तो यहाँ पे आज हम वुमेन्स इंटरनेशनल डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं. पर मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है बीइंग वुमेन, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, तो मुझे अपनी औरत होने पर आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है. क्योंकि औरत अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि बहुत सारे सेक्रीफाइस रहते हैं औरत के और एक लेडी के. मुझे लगता है ऐसे जब भी हमारा दिन मनाया जाता है तो मुझे अंदर से सीरियसली बहुत खुशी होती है. मुझे बड़ा मतलब फख्र महसूस होता है औरत जो है, औरत एक औरत के नाम पे लेडीज़ को देखती हूँ आजकल हर किसी फील्ड में टॉप कर रही है. मुझे लगता है कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो लेडीज आजकल बड़ा अच्छा कर रही है हर फील्ड में, वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन का फील्ड हो. आप देख सकते हैं खुद, आप सबको पता होगा कि हर किसी फील्ड में आज लेडीज़ टॉप कर रही है. तो मुझे लगता है औरत को भी वो वैल्यू देना चाहिए, इसको कम नहीं समझना चाहिए. जी, हम केआरवी फाउंडेशन और मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ. हमने यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोग्राम रखा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इसमें इन्वॉल्व किया है, यंग वुमन है इसमें इन्वॉल्व, और बहुत सारे अवॉर्डीज हैं हर स्ट्रीम से, जम्मू कश्मीर से उन्होंने यहाँ पे आए हैं अवार्ड लेने, और अप्रिसिएशन हम उनको दे रहे हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ एनकरेजमेंट ताकि वो और बेटर करें सोसाइटी में. और मेरा मैसेज यही है कि वुमनहुड सेलिब्रेट करने वाली बात है, ये इंटरनेशनल वुमन्स डे है और हर वुमन को इसको सेलिब्रेट करने का हक है. लेकिन जो सक्सेसफुल वुमन है वो बाकी वुमन को इन्फ्लुएंस करे और नर्चर करे, अंडरस्टैंड करे, बिकॉज एक्चुअल वुमन एम्पावरमेंट विल हैपन व्हेन वन वुमन विल अंडरस्टैंड द अनदर वन और उसको सपोर्ट करके आगे चले. और आजकल जनरेशन इक्वालिटी
इक्वालिटी की बात आ रही है तो वहाँ पे शाना बशाना बॉयज के साथ मेल्स के साथ चल के हमें ये करना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और टीम वर्क करना चाहिए और समाज में बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी कैपेसिटी है। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब